गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी कोर्स एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जब बात आती है तो इससे कंसर्न एक क्वेश्चन जरूर आता है, और आज हम इस टॉपिक को बहुत ही आसान मैनर में करने वाले हैं। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। तो लेते हैं मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को MUX वर्ड से भी डिनोट किया जाता है। तो अ मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज 2 की पावर n कम्युनिकेशन लाइंस एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन। तो मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जांपल है जिसके अंदर 2 की पावर n कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं, यानी 2 की पावर n इनपुट्स होते हैं, यानी मोर देन 1 इनपुट्स होते हैं, और एक सिंगल आउटपुट लाइन इसके अंदर होती है। मल्टीप्लेक्सर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये मोर देन 1 सिग्नल को, मोर देन 1 इनपुट्स को मल्टीप्लेक्स करता है, और ये फॉलो करता है मैनी टू वन के कंसेप्ट को, जो कि मोर देन 1 सिग्नल्स को लेता है और एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू उसको भेजता है। तो ये कम्युनिकेशन चैनल कॉमन होता है। अब इस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, क्योंकि एट ए टाइम पर एक चैनल के थ्रू एक ही सिग्नल ट्रैवल कर सकता है, तो कौन सा सिग्नल ट्रैवल करेगा ये जो है डिसाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन लाइंस। तो इसमें सिलेक्शन लाइंस भी होती हैं। अब डी मल्टीप्लेक्सर होता है रिसीवर एंड पे। ये सेंडर एंड पे रहता है, ये रिसीवर एंड पे। ये वन टू मैनी का कंसेप्ट फॉलो करता है, जो कि मैनी टू वन मल्टीप्लेक्सर के कंसेप्ट के अपोजिट होता है। तो ये क्या करता है, वन चैनल से आए हुए सिग्नल को मोर देन 1 सिग्नल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, मोर देन 1 रिसीवर्स को। तो ये वन टू मैनी का कंसेप्ट फॉलो करता है। नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट पॉइंट। अ मल्टीप्लेक्सर इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच दैट कनेक्ट्स 1 आउट ऑफ n इनपुट्स टू n आउटपुट। तो मल्टीप्लेक्सर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच के जैसे काम करता है, जो कि n इनपुट में से एक इनपुट को कनेक्ट करता है आउटपुट के साथ। तो जैसे इसमें मोर देन 1 इनपुट्स होते हैं, और ये एज ए स्विच के जैसे काम करता है, जैसे स्विच को वायर के साथ अटैच किया जाता है, तो ये भी ये डिसाइड करता है कि इसको किस इनपुट के साथ कनेक्ट करना है। तो जैसे एज ए स्विच के जैसे ये काम करता है। तो ये है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर के थ्रू ही डिसाइड होता है कि जो आउटपुट लाइन है ये किस इनपुट के साथ कनेक्ट करनी है। नेक्स्ट इज इट इज फंक्शनली कंप्लीट। ऑल बुलियन फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग मल्टीप्लेक्सर विदाउट एनी अदर गेट्स। तो ये फंक्शनली कंप्लीट होता है, ये अपने आप में कंप्लीट है। तो इसके हेल्प से कोई भी बुलियन फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिना दूसरे गेट, बिना दूसरे सर्किट की हेल्प से। तो कोई भी दूसरे गेट या दूसरे सर्किट की हेल्प की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लेक्सर जो की हेल्प से ही कोई भी बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है टेलीफोन नेटवर्क। तो टेलीफोन नेटवर्क, जैसे मोर देन 1 सेंडर जब कॉल को प्लेस करते हैं, जब कॉल मोर देन 1 सेंडर से आती है, तो ये कॉल एट ए टाइम पर किस रिसीवर के साथ कनेक्ट करनी है, यानी किसकी कॉल को प्रायोरिटी दी जाएगी, ये मल्टीप्लेक्सर के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। तो टेलीफोन नेटवर्क इसका बेस्ट एग्जांपल है। और मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं, जो डेटा को सेलेक्ट करता है आउटपुट के लिए। नेक्स्ट वी सी द सर्किट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो ये जो मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, ये 2 into 1, 4 into 1, 8 into 1, 16 into 1, 32 into 1 टाइप के मल्टीप्लेक्सर्स हो सकते हैं। इट मीन्स ये 2 की पावर n में होते हैं, 2 की पावर n into 1। सपोज हम 4 into 1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना चाह रहे हैं, तो ये है 4, जिसके अंदर 4 इनपुट्स जाएंगे। 4 into 1 का मल्टीप्लेक्सर जिसमें 4 इनपुट्स होंगे एंड देर विल बी 1 आउटपुट, इसको हम 2 की पावर 2 into 1 भी कह सकते हैं। अगर हम 4 into 1 का मल्टीप्लेक्सर लेते हैं, तो ये इसका मतलब है 2 की पावर 2 into 1। इट मीन्स इसमें 2 सिलेक्शन लाइन्स होंगी। तो इसका क्या मतलब, इसमें 2 बिट्स यूज हो रही हैं, और 2 बिट्स के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो कि हमें पता है 0001 1011। तो ये
फोर वैल्यूज के लिए हम जो है टू बिट्स यूज करेंगे, और टू बिट्स का मतलब टू सिलेक्शन लाइन हम इसमें यूज करेंगे। अगर हमारा मल्टीप्लेक्सर 8 × 1 होता तो 2³ × 1 यानी हम 3 सिलेक्शन लाइन यूज करते, और अगर 16 × 1 होता तो 2⁴ × 1 तो 4 सिलेक्शन लाइन हम इसमें यूज करते। तो ये 4 × 1 का है, इसमें 2 सिलेक्शन लाइन रहेंगी, तो ये S0 S1 करके हो सकती है। और हमारे जो इनपुट्स हैं इनका नेम कुछ भी हो सकता है, लाइक I0 I1 I2 I3, और दिस इज आउटपुट लाइन। अब ये जो हमारी सिलेक्शन लाइंस हैं इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब जो भी हमारा सिलेक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन है ये ही डिसाइड करेगा कि कौन सा इनपुट आउटपुट पर जाएगा। अगर सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशन 0 0 है तो इनपुट सिलेक्ट होगी I0, अगर 0 1 का कॉम्बिनेशन है तो I1 विल बी एक्टिव, और 1 0 का कॉम्बिनेशन है तो I2 इनपुट एक्टिव हो जाएगी आउटपुट लाइन पे, और 1 1 का कॉम्बिनेशन है तो I3 इनपुट एक्टिव हो जाएगी आउटपुट लाइन पे। यानी किस इनपुट को सेलेक्ट करना है, यानी कौन सी इनपुट आउटपुट पर जाएगी, उसके लिए ये सिलेक्शन लाइन ही जो है हेल्प करेंगी। तो सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे ही जो है आउटपुट डिसाइड होगा। अब ये जो आउटपुट है F दैट विल बी, वो क्या होगा अगर इसको हम SOP के फॉर्म में देखें, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, S1 में 0, S0 में 0, तो S1 का बार, S0 का बार, 0 0 तो I0 विल बी एक्टिव। इसी तरीके से 0 1 S1 का बार और 1 तो I1 विल बी एक्टिव। इसी तरीके से 1 0 S1 0 S0 का बार तो I2 विल बी एक्टिव, 1 1 S1 S0 तो I3 विल बी एक्टिव। तो इस तरीके से जो है हमारा ये फंक्शन की आउटपुट रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं द नेक्स्ट थिंग इज, अगर ये मल्टीप्लेक्सर 8 × 1 का होता तो इसके अंदर 8 इनपुट्स होते, जो कि लाइक दिस, ये होते I0 I1 से लेके I7 तक, और एक आउटपुट होता, और इसके अंदर जो है 3 सिलेक्शन लाइंस होती, क्योंकि ये 2³ × 1 का है, तो ये सिलेक्शन लाइन विल बी S0 S1 S2। इस तरीके से हम उनको नेम दे सकते थे। 8 × 1 के मल्टीप्लेक्सर को हम इस तरीके से भी बना सकते थे, हम 2 4 × 1 के मल्टीप्लेक्सर बना दें, अगर 1 4 × 1 का ये बनाया हमने और 1 4 × 1 का ये बनाया, तो इसके अंदर भी हैं 4 इनपुट्स और इसमें भी हैं 4 इनपुट्स। हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको, और इसका एक आउटपुट जा रहा है एंड दिस विल बी 1 आउटपुट, तो इसका 1 आउटपुट जो है अब जा रहा है एक और मल्टीप्लेक्सर में, जो कि 2 इनपुट्स ले रहा है, और ये है 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर, और जिसका एक आउटपुट है। तो हम इसे ऐसे भी बना सकते थे। अब इसमें सिलेक्शन लाइन होंगी 2, क्योंकि ये 2² × 1 है, इसमें भी सिलेक्शन लाइन 2 होंगी, और इसमें सिलेक्शन लाइन होगी 1। दिस इज S0 S1 S0 S1, I1 I2 I3 ये इनपुट्स हैं, I4 I5 I6 I7 I8, और दिस इज 1 आउटपुट, दैट इज F, और दिस इज S0। तो हम जो है 8 × 1 के मल्टीप्लेक्सर को इस तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट थिंग, अब हम इसका बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम यानी लॉजिक सर्किट, और लॉजिक सर्किट हम बनाएंगे 4 × 1 का, और हमें पता है जो हमारा F है वो क्या है, वो कॉम्बिनेशंस लेता है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यानी ये है S1 ये है S0, तो S1 का बार S0 का बार है तो हमारा I0 विल बी एक्टिव। इस कंडीशन में I0 एक्टिव होगा, ये I1 को एक्टिव करेगा, ये I2 को और ये I3 को, तो दिस इज S1 S0 0 1, और ये I1 को एक्टिव कर देगा।
वन जीरो दैट इज वन और दिस इज जीरो और ये आई टू को एक्टिव करेगा, वन वन एस वन और एस जीरो ये आई थ्री को एक्टिव कर देगा। तो दिस इज द फंक्शन। अब इसी फंक्शन को देखते हुए हम लॉजिक सर्किट बनाएंगे इसका, और हमारे पास है चार इनपुट्स, डेट इज आई जीरो, आई वन, आई टू एंड आई थ्री। और यहाँ पे हम लेंगे एक एंड गेट, ये दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट एंड फोर्थ एंड गेट। अब ये जो एंड गेट्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पे, पहला एंड गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट एंड फोर्थ एंड गेट, और ये सारे के सारे और ऑपरेटर और गेट को यूज़ कर रहे हैं, एंड वी विल यूज़ द और गेट, और ये सारे के सारे आउटपुट्स जाएंगे एक और गेट में। Like this, तो this will be F. अब हम यहाँ पे भेजेंगे selection lines. तो ये हमने भेजी selection line, क्योंकि selection line की combination ही decide करेगी कि कौन सा output consider होगा, कौन से output के अंदर input consider होगा। तो selection line पहली है S1 और this is S0. अब हम यहाँ पे भेज देते हैं note value zero के लिए। तो ये हमने ज़ीरो की वैल्यू उठाने के लिए एक नॉट गेट लगा दिया, और यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया एक और ज़ीरो की वैल्यू उठाने के लिए। अब इसमें जा रहा है इस बार आई ज़ीरो, ये यहाँ पे आई ज़ीरो, और ये जा रहा है इस एंड गेट में आई वन, ये आई टू और ये आई थ्री। तो एस वन का बार, पहली बार में हम इसको भेजेंगे ज़ीरो, ज़ीरो की वैल्यू भेजेंगे, और ये है हमारा ज़ीरो, ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट करेगा, ये वन को। तो यहाँ से एस वन के लिए हमने भेजा ज़ीरो, तो हम इसमें भेज रहे हैं एस वन का ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो एस वन के लिए, और एस ज़ीरो का भी हमने भेजा ज़ीरो। तो ये कॉम्बिनेशन में हमने भेजा इसमें, डेट इज एस ज़ीरो का भी ज़ीरो। तो ये हमारा एंड गेट होकर के आया आई ज़ीरो और एस वन का बार, दिस इज़ एस वन का बार और दिस इज़ एस ज़ीरो का बार, ज़ीरो ज़ीरो। अब हम भेजेंगे ज़ीरो वन, तो यहाँ से हमने भेजा ज़ीरो एस वन के लिए, तो हम जब भेजेंगे ज़ीरो वन तो आई वन एक्टिव होगा, तो ये हमने भेजा ज़ीरो और यहाँ से भेजा हमने वन। तो ये है S1 का बार, दिस इज S0, ये यहाँ पे एंड होकर के आएगा I1 S1 का बार और S0, दिस इज 0 1। तो I2 एक्टिव होगा जब हम भेजेंगे 1 0, तो यहाँ से हमने भेजा 1 S1 का, तो ये भेजा 1 S1 का और यहाँ से भेजा हमने 0, दिस इज 0 S0 बार। तो यहाँ पे एक्टिव होगा I2 S1 और S0 का बार, और इधर हम भेजेंगे 1 1, तो दिस इज 1, जब हम भेजेंगे 1 1 तो I3 एक्टिव होगा, तो ये हमने भेजा 1 S1 के लिए, और यहाँ से भी हम भेजेंगे 1 S0 के लिए, तो ये हमने भेजा S0 के लिए भी 1। तो यहाँ पे एंड होकर के आया आई थ्री एस वन और एस ज़ीरो। तो ये हमारा जो है सर्किट बन गया मल्टीप्लेक्सर का। अब हम इसमें ये कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स भी एक बार डाल करके चेक कर लेते हैं कि जब हम ज़ीरो ज़ीरो डालेंगे तो क्या एक्टिव होगा। तो सपोज हमने डाला ज़ीरो ज़ीरो, जब हम डाल रहे हैं ज़ीरो ज़ीरो, तो यहाँ पे आई ज़ीरो में है वन और ये जीरो का बार डेट इज़ वन और ये जीरो का बार डेट इज़ वन, और एंड गेट में हमें पता है कि अगर तीनों वन होंगे तो आउटपुट वन होगी। तो यानी जब हम जीरो जीरो बोलेंगे डालेंगे तो यहाँ पे आई जीरो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन बाकी एंड गेट्स को भी चेक कर लेते हैं जीरो जीरो पे। तो ये है वन, आई वन के लिए है वन, और यहाँ पे ज़ीरो डाला तो जीरो का बार डेट इज़ वन, और वन फिर डाला हमने जीरो
तो ये हुआ जीरो, तो जीरो, तो इसमें तीनों एंड गेट क्या कहता है कि तीनों वन होने चाहिए, तो तीनों वन नहीं है तो ये डिजेबल हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी डिजेबल हो जाएंगे एट द इनपुट ऑफ जीरो जीरो। तो जीरो जीरो जब हम डालेंगे तो आई जीरो ही एक्टिव होगा। एक बार जीरो वन भी डाल करके देख लेते हैं। जब हम डालेंगे जीरो वन, जैसे हमने डाला अगर जीरो वन, तो जीरो वन में यहाँ देखते हैं क्या होगा। तो ये आई वन पे है डेट इज वन, और जीरो का बार डेट इज वन, और दिस इज वन। तो जब हम जीरो वन डालेंगे तो आई वन विल बी एक्टिव, जीरो वन पे आई वन एक्टिव हो जाएगा, बाकी सारे डिजेबल हो जाएंगे। जीरो वन को यहाँ चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमने डाला आई जीरो में है वन, और यहाँ जीरो का बार डेट इज वन, और वन का बार डेट इज जीरो, तो ये भी डिजेबल हो जाएगा। तो इट मीन्स सिलेक्शन लाइन के कम्बिनेशन ही ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा इनपुट जो है एट द आउटपुट लाइन जाएगा। तो जब हम जीरो जीरो डालेंगे तो आई जीरो एक्टिव हो जाएगा, जीरो वन डालेंगे तो आई वन एक्टिव हो जाएगा, और बाकी सारे डिजेबल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक इनपुट एट ए टाइम पे एक्टिव रहेगा, बाकी सारे डिजेबल रहेंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। नाउ वी सी द कंसेप्ट ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। तो डी मल्टीप्लेक्सर जो है कंसेप्ट लेता है वन टू मैनी का। इसमें एक इनपुट होता है और मोर देन वन इनपुट्स आउटपुट्स होते हैं। तो एक इनपुट होता है, मोर देन वन आउटपुट होते हैं, और बाकी होती हैं सिलेक्शन लाइंस। तो सिलेक्शन लाइन ही ये डिसाइड करती हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो कौन सा आउटपुट एक्टिव होगा, यानी कौन सी सिलेक्शन लाइन एक्टिव होगी, ये ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा आउटपुट सिग्नल आया है। डी मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, जबकि मल्टीप्लेक्सर को डेटा सेलेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमारे मल्टीप्लेक्सर्स के एग्जांपल्स हैं 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, यानी 1x2 की पावर n में ये होते हैं। नाउ वी सी द सर्किट। जैसे 1x4 का डी मल्टीप्लेक्सर लेते हैं हम, तो इसमें एक इनपुट है, सपोज ये एक इनपुट है डेट इज डी जीरो। अब ये जो एक इनपुट है ये ही जो है जा रहा है हमारे मोर देन वन आउटपुट्स के लिए। तो दिस इज फर्स्ट आउटपुट और सेकंड आउटपुट, ये ही इनपुट जाएगा अगले आउटपुट में, और ये ही इनपुट जा रहा है अगले आउटपुट में। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। अब जो इनका आउटपुट आएगा दैट विल बी, हम यहाँ पे कोई ना कोई सिलेक्शन लाइन यूज़ करेंगे। तो 1x4 है तो दो सिलेक्शन लाइंस यहाँ पे रहेंगी, डेट इज C0 C1, और यहाँ पे भी हमने बना दिया नोट गेट। तो ये जीरो वैल्यू उठाने के लिए हमने बनाया C1 C0 की जीरो वैल्यू, तो ये C0 की जीरो वैल्यू उठाएगा। अब ये जो यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर भी D0 गया, D0 ही इसमें आया है, D0 ही इसमें आया है, और D0 ही इसमें आया है। ये D0 का इनपुट जा रहा है, और D0 का इनपुट यहाँ पे जा रहा है, ये भी D0 का इनपुट है, और ये भी D0 का इनपुट है। अब हम जो कम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन लाइंस हैं वो भेजेंगे, डेट इज़ 00, 01, 10 और 11, और ये है C1 और ये है C0। तो जब हम भेज रहे हैं 00, तो C1 के लिए हमने भेजी 0, ये है C1 के लिए 0, C1 का बार, और C0 के लिए भी हमने भेजी 0, और ये 0 है दैट इज यहाँ से भेजेंगे हम 0, दिस इज C0 का बार, और ये है 0। तो यहाँ पे है C1 का बार, C0 का बार। फिर हम भेज रहे हैं 01 का कम्बिनेशन। जब हम 01 का कम्बिनेशन भेजेंगे तो ये है 0 C1 की, और ये भी ये है 1 C0 का, यहाँ से हमने भेजा 1 C0 का। इसी तरीके से 10 का कम्बिनेशन हम भेजेंगे, ये जब हम भेज रहे हैं तो Y0 विल बी एक्टिव, और ये भेजेंगे तो Y1 विल बी एक्टिव, और ये भेजेंगे तो Y2 विल बी एक्टिव, और ये जब हम भेजेंगे तो Y3 विल बी एक्टिव। ठीक है, तो अब हम Y2 कब एक्टिव होगा, जब
वन जीरो भेजेंगे, तो इधर से जा रहा है वन, सी वन का ये गया वन, सी वन का, और यहाँ से जा रहा है ज़ीरो, किसका, सी जीरो का, सी जीरो का बार, दिस इज सी जीरो सी वन, सी जीरो का बार, दिस इज सी जीरो सी वन का बार, सी जीरो, और लास्ट है वन वन, ये यहाँ से गया वन सी वन का, वन सी वन का, और यहाँ से गया वन सी जीरो का, सी वन सी जीरो। तो ये है हमारा डी मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सर्किट। तो अब हमने जो है इससे देखा कि हमारी जो सिलेक्शन लाइन है कौन सी एक्टिव होगी, मतलब सिलेक्शन लाइन के कम्बिनेशन ऑफ इनपुट ही डिसाइड करेंगे कि कौन सी आउटपुट लाइन एक्टिव होगी। यानी जब हम जीरो जीरो देते हैं, जीरो जीरो दे करके देखते हैं तो कौन सी एक्टिव होगी, वाई जीरो एक्टिव होगी। तो डी जीरो में है वन और जीरो जीरो पे डेट इज़ जीरो का बार वन और वन, तो एंड गेट में तीनों वन होते हैं तो वन आंसर आता है, तो इट मीन्स वाई जीरो एक्टिव हो जाएगा। जब हम भेजेंगे जीरो वन तो उस दौरान पे यहाँ पे होगा वन और ये जीरो का बार डेट इज़ वन और ये वन, तो ये लाइन एक्टिव हो जाएगी जब हम जीरो वन भेजेंगे। तो इस तरीके से जो है ये डिसाइड हो रहा है कि कौन सी आउटपुट लाइन जो है एक्टिव होगी। सपोज यहाँ हम जीरो जीरो भेजते हैं और इसको चेक करते हैं जीरो जीरो पे, तो यहाँ पे है वन और ये है जीरो का बार डेट इज़ वन और ये है ज़ीरो, तो ये डिजेबल हो जाएगा। मतलब जो सी लाइन एक्टिव होगी बाकी सारी लाइन्स जो हैं डिजेबल हो जाएगी उस टाइम पे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझाया गया है मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर के कॉन्सेप्ट को, और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है और आसान लगा है तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और इसको सब्सक्राइब करके, ताकि आगे के टॉपिक्स भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएं। ओके स्टूडेंट्स, लाइक शेयर भी इसे ज़रूर कर दें, और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में भी हमें कुछ लिख दें हमारे लिए, ताकि हमारा मोटिवेशन आपके लिए अगली वीडियोज को इजी बना करके लाने में बना रहे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।